गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ। सो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडेज क्लास। नाउ टूडे वी विल स्टार्ट वर्कशीट 17। येस्टरडे वी हैव कम्प्लीट एक्सरसाइज 17A। कल हमने एक्सरसाइज 17A आपको एक्सप्लेन की थी और आई होप आपने होमवर्क भी कम्प्लीट कर लिया होगा अपना। नाउ टूडे वी विल स्टार्ट वर्कशीट 17। बेटे वर्कशीट 17 में आपके 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका होमवर्क है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 1। सो इन क्लास वर्क वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। क्लास वर्क में हम ये तीनों क्वेश्चंस करेंगे। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ वर्कशीट 17। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अगर किसी पर्सन को, किसी इंसान को फीवर हो जाता है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा। आपको मैंने बताया था कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो हमारा 96.4 डिग्री फारेनहाइट होता है। जो हम बेटे थर्मामीटर यूज करते हैं, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। तो इस थर्मामीटर के अकॉर्डिंग हमारे जितना भी इसमें टेम्परेचर है वो डिग्री फारेनहाइट में लिखा हो, में हम उसको पढ़ते हैं। तो डिग्री फारेनहाइट के अकॉर्डिंग अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन इज 96.4 डिग्री फारेनहाइट। सेल्सियस में हम इसको नहीं काउंट करते हैं, इसको हम फारेनहाइट में ही बताते हैं। तो अब क्या पूछा है, जिसको अगर फीवर हो रहा है, कोई भी अगर फीवर में है कोई पर्सन, तो उसका टेम्परेचर अगर 96.4 से अबव है तो इट मीन्स वो फीवर जो है उसको हो रहा है। तो आपका क्या आएगा, फीवर जिसको हो रहा है उसका बॉडी उसका टेम्परेचर आपका क्या होगा, अबव 96.4 डिग्री फारेनहाइट। कैसे पता चलेगा हमें कि किसी को फीवर हो रहा है, अगर उसका टेम्परेचर 96.4 से अबव होगा, ज्यादा होगा, इट मीन्स दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम फीवर। सो राइट डाउन आंसर, अबव 96.4 डिग्री फारेनहाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ मच टेम्परेचर, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज, इक्विवेलेंट टू द टेम्परेचर इन 113 डिग्री फारेनहाइट। नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ मच टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, कि डिग्री सेल्सियस में वो टेम्परेचर कितना होगा। डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू द टेम्परेचर इन 113 डिग्री फारेनहाइट। अगर 113 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर है, उसी के इक्विवेलेंट में, उसी के बराबर डिग्री सेल्सियस में वो टेम्परेचर कितना होगा। यानी अगर हमारा 113 डिग्री फारेनहाइट में दे रखा है तो हमको इसको किस में चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है। जब हम सेल्सियस में चेंज करेंगे वो हमारा आंसर जो है वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर, हमारा जो समय है वो फारेनहाइट डिग्री में दे रखा है। वी चेंज 113 डिग्री फारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस, हम इसको किस में चेंज करेंगे, डिग्री सेल्सियस में। तो हमारा सम है 113 डिग्री फारेनहाइट। अब जब हम 113 डिग्री फारेनहाइट को करेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटे, 113 डिग्री है, सबसे पहले हम बड़ा सा एक ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें हम यहाँ पर लिखेंगे 113। अब फॉर्मूला क्या है इसका, फारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5/9, ठीक है, 5/9 ब्रैकेट क्लोज डिग्री सेल्सियस। अब कैसे करेंगे देखिए बेटे, यहाँ पर आएगा हमारा इज इक्वल टू, 113 में से आप 132 माइनस कीजिए, 113 माइनस 132 तो 3 माइनस 2 1, 11 माइनस 3 8, 81 आ गया।
81 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/9 से। 81 को हमने 5/9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा, 9 9 जा 81। 9 के टेबल में 81 कब आया, 9 9 जा 81। अब 9 और 5 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 9 5 जा 45 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ये वहां हाउ मच टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्विवेलेंट, तो आप लिखेंगे 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री, इधर लिखिए। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, हाउ मच टेम्परेचर इज इन सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू द टेम्परेचर इन 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आप लिखेंगे 45। यहां से आप नीचे लिख लीजिएगा, यहां पर स्पेस नहीं बेटे, मैं इसलिए लिख रही हूं, 45 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू द टेम्परेचर इन 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ योर आंसर इज कंप्लीट। आपने सबसे पहले हम वे चेंज 113 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, तभी अभी 113 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट डिग्री सेल्सियस क्या आ गया हमारा, 45 डिग्री सेल्सियस। सो आवर आंसर इज 45 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू द टेम्परेचर इन 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो स्टूडेंट्स राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2 and 3। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। अब हमें क्या करना है, 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सो राइट डाउन 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, अब इसको हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे बेटे, इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा हमारा 30 मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम क्या करेंगे बेटे, 5 1 जा 5 5 6 जा 30 कट कर दिया। अब 6 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 9 जा 54 प्लस 32, 4 प्लस 2 6 एंड 5 प्लस 3 8, हमारा आंसर आ गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका आंसर आ गया हमारा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम नीचे आंसर लिख देंगे, 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखा आपने स्टूडेंट्स, अगर हमको फॉर्मूला लर्न होगा इसका तो हमें सम्स करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स आपको इसके फॉर्मूले बहुत ध्यान से लर्न करने हैं, मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप फॉर्मूला लर्न नहीं कर पाएंगे तो आप सम भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीट वर्कशीट 17 क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये देखिए ये बुक में टेबल बनी है, यू हैव नो नीड टू ड्रॉ द टेबल इन द नोटबुक, आपको नोटबुक में इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यू सी इन द बुक दिस टेबल, यू सी इन द बुक देन यू राइट द आंसर। अब ये देखिए इसमें ये सिटीज के नेम दे रखे हैं बेटे, यहाँ पर समर सीजन है, यहाँ विंटर सीजन है। यहाँ पर समर सीजन का मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर है, और यहाँ पर विंटर सीजन का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है। सिटीज के अकॉर्डिंग लिखा हुआ उनके सामने, आपको बस इसमें आंसर देख के इसी टेबल में आंसर है बताना है। जैसे फर्स्ट है ए वाला, विच सिटी हैज द लोएस्ट एवरेज मिनिमम टेम्परेचर इन समर। अब ये सिटीज है, अब आपको इसमें क्या बताना है, लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर समर का,
तो अब आप समर वाले सीजन में आ जाएंगे, समर वाले सीजन में जो मिनिमम है इसमें देखिए सबसे कम टेम्परेचर किसका है, उसके सामने जिस सिटी का नाम है वो आप लिख देंगे। नेक्स्ट है विच सिटी हैज द हाईएस्ट एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर इन विंटर, यहाँ पर आपने विंटर का बताना है, ये विंटर सीजन आ गया, अब विंटर में आपको मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सी सिटीज का है, मैक्सिमम में देख लीजिए वन सिटी है, टू है, थ्री है, फोर है या ओनली वन है, आप एक बार चेक कर लीजिए, उनका नाम लिख दीजिए। फिर सी है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर इन विंटर ऑफ पटना एंड वाराणसी, अब आप विंटर का जो है मिनिमम टेम्परेचर निकालेंगे, ये विंटर सीजन है इसमें मिनिमम टेम्परेचर किसका, पटना और वाराणसी, इन दो का टेम्परेचर देखेंगे और उसका आपको डिफरेंस बताना है, यानी जिसका ज्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो डिफरेंस हो जाएगा। देन विच सिटी इज द कूलेस्ट इन समर, अब समर सीजन में कूलेस्ट मीन्स जिसका मिनिमम टेम्परेचर है वो कूल होगी, मैक्सिमम वाली हॉट होती है, तो जो मिनिमम में जो सबसे कम टेम्परेचर जिस सिटी का है वो आपको उस सिटी का नेम लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर वन इज योर होमवर्क, डू दिस क्वेश्चन आंसर्स इन द मैथ्स नोटबुक, और इस टेबल को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, विद द हेल्प ऑफ टेबल यू गिव द आंसर एंड राइट इन योर नोटबुक। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।